हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं रोज प्लांट कैसे लगाते हैं। ओके, तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है कोई भी प्लांट लगाने के लिए, तो आप इस मौसम में आप प्लांट लगा सकते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ रोज प्लांट लगाने के लिए। ओके, तो ये कोई मैन्योर वाली प्लेस नहीं है, ना ही फर्टिलाइज़र वाली प्लेस है, ना ही इसमें डाला गया फर्टिलाइज़र मैन्योर। नॉर्मल प्लेस है, आप तो नॉर्मल जगह पे लगा सकते हैं। आप जो रोज़ प्लांट को कहीं से भी कट कर सकते हैं, उनके ब्रांचेस कट करके लगा सकते हैं। ये नहीं ज़रूरत रहता कि उनके पूरे जड़ से ही लगाना है। ओके, तो मैं अभी आपको गड्ढा खोद के लगा के दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं रोज़ प्लांट। ओके, तो सो आप देखिए, अगर आपके पास काउ डंक है तो बहुत अच्छा है, उसको गड्ढे के अंदर डाल के फिर लगाइए तो प्लांट बहुत अच्छे से होगा। और इसमें एक और मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत जगह ये देखा गया है कि जब प्लांट सूख जाता है, रोज़ प्लांट सूख जाता है, आपने लगाया और रोज़ प्लांट सूख गया तो लोग बहुत उखाड़ के फेंक देते हैं बहुत सारे लोग, पर ऐसा नहीं है। वो पूरा सूख जाता है, फिर वो धीरे धीरे न्यू लीव्स निकल आती हैं। ये नहीं है कि आपको पूरा ग्रीन प्लांट्स रहेगा और ग्रीन प्लांट्स में ही लग जाएगा पौधा, तो आप ऐसा ना करें। ठीक, मैं आपको ये लगा के पूरा दिखा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ज़रा भी इंटरेस्ट हो हमारी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हम लोग आपको ये प्लांट नेक्स्ट टाइम जब ये ग्रोथ कर रहे तब हम लोग आपको दिखा सकें कि हमने ये प्लांट लगाया और इसने ग्रोथ किया, ये नहीं कि ये ग्रोथ नहीं किया। ठीक, प्रॉपर इसको ढक दीजिए। ओके, अब इसमें आप लोग वाटर डाल सकते हैं, पानी डाल दीजिए। और ये मैंने मेहंदी का पौधा लगाया था जो कि सूख गया था पूरी तरीके से, अब इसमें न्यू लीव्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपका प्लांट अगर सूख जाए तो उसको उखाड़ के नहीं फेंकिए, उसमें न्यू लीव्स आ जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।